जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लैया के हलका 3 के PP 282 के पोलिंग स्टेशन नंबर 66 पर, जहाँ नवाकोट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसर खान मक्सी ने अभी अपना वोट कास्ट किया है। हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो हलके की सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं और अपनी जीत के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पोलिंग जो है ना आज वो बड़े स्मूथली चल रहे हैं, तो वोटर जो है ना वो पुरजोश तरीके से, हमारे जो PTI के वोटर हैं पुरजोश तरीके से वो पोलिंग स्टेशन पे आ रहे हैं और हमारे वर्कर जो है वो वोटर को घरों से निकाल के ला रहे हैं। और कास्टिंग जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में अगर से कम होती है, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से कास्टिंग ज़्यादा होगी। उसकी वजह सिर्फ हमारे वर्कर्स का जुनून है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने पोलिंग स्टेशन विजिट भी किए होंगे, तो मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रहा कि कोई पोलिंग स्टेशन PTI हार रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खान साहब, ये बताएं, आपने तमाम पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं, कहीं से कोई धांधली की गई आपको या कोई ऐसी कोई शिकायत मिली है? नहीं, छोटी मोटी शिकायत मिली है, लेकिन वो हर इलेक्शन में होती है छोटी मोटी, मतलब कहीं पे पोलिंग स्टाफ की जो है ना वो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो मतलब अब मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो खलल डाला जा रहा है वो सिर्फ यही है कि वोटर को, मतलब मुझे अभी वहाँ पे हमारा एक पोलिंग स्टेशन है अमानाबाद, मैं वहाँ गया हूँ तो एक घंटे में उन्होंने 6-7 वोट कास्ट किए हैं, मतलब एक दफ़ा वो देखते हैं पोलिंग स्टाफ वाले, फिर वापस कर देते हैं, फिर देखते हैं, फिर वापस कर देते हैं, कई वोटर जो हैं उनको वापस भेजा जा रहे हैं, मतलब ये छोटी। हमने अभी विजिट किया था पोलिंग स्टेशन जंड वाला, वहाँ एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ पहुँचे अपने प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास तो उन्होंने कहा जी आपका वोट कास्ट हो चुका है, आपको कोई ऐसी इतला है? जी नहीं, मुझे ऐसी कोई इतला नहीं मिली। आप कितने पर उम्मीद है कि जीत के लिए? इंशाल्लाह मैं 100% पर उम्मीद। कितनी लीड के साथ? इंशाल्लाह हम 15 से 20 हज़ार वोटों से। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ है कैसर खान मक्सी साहब, इनका कहना है कि वो 15 से 20 हज़ार की लीड के साथ जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। बाकी किसके सर सजेगा ये PP 282 का ताज, या शाम को ही फैसला होगा।